किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 7, नापाकी की हालत में यानी गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत में सहरी की, रोज़ा की नियत की, अगरचे सारा दिन नापाक रहा, नापाकी में ही अफ्तार किया, रोज़ा हो गया। कोई नमाज ना पढ़ी, तरावीह भी ना पढ़ी, तो भी रोज़ा हो गया, मगर नमाज छोड़ना और देर तक गुस्ल ना करने से गुनहगार हो गया। नंबर 8, गीबत करने से। नंबर 9, झूठ बोलने से। नंबर 10, गाली देने से रोज़ा नहीं टूटता, हाँ मगर ऐसा करने वाला सख्त गुनहगार होता है। नंबर 11, फिल्मी ड्रामे देखने से, गाने सुनने से भी रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता ऐसा करने वाला गुनहगार होता है।